السلام عليكم ستودنتس، عدنان، سيا، جی سر، क्या السلام हाल علیکم है؟ سر. وعلیکم السلام. 2021 لوگ آ چکے ہیں، جی سر، ٹوئنٹی سٹارٹ ون کریں آ چکے ہیں. کلاس؟ اسٹارٹ کر دیں سر، آ جائیں گے چلیں اسٹوڈنٹس. چلیں چلیں، ریکارڈنگ بھی اسٹارٹ کر دیں. ریکارڈنگ میرا خیال میں نے اسٹارٹ کر دی ہے. جی سر، ہو گئی. ہم نے کی ایک آدھ میتھمیٹیکل ماڈلنگ آپ پر شکر اس پہ کلین کی ہے، ایک میں نے آپ کو ویسے دے دی گا، پھر ریڈ کر لیں. آج تیسری کرنے جا رہے ہیں ویو فینومینا، ویو ایکویشن، ون ڈائمینشنل ویو ایکویشنز کو. تھرڈ میتھمیٹیکل ماڈلنگ ماڈلنگ آف ویو ایکویشن. Well, to model this mathematical form of the wave phenomena, our objective is to construct a mathematical equation for the transverse vibration of a string with fixed end. So here our objective मॉडलिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू मॉडल ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग विद फिक्स एंड. हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रिंग है, ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, ये पॉइंट आपका एक्स इज इक्वल टू एल होगा. सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एक्स, इधर एक्स एक्स से वेरी करेगा, इधर चले इस तरह डाल देते हैं वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस. एक एंड इसका x ज़ीरो पे है और दूसरा एंड x इज इक्वल टू एल पे. जिस तरह ये रस्सी टाइप इलास्टिक स्ट्रिंग है, ऊपर नीचे मूव करेगी, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है. फिक्स एंड होने की वजह से ये एंड पॉइंट ऊपर नीचे नहीं मूव करेंगे, उससे आपकी कॉम्प्लिकेशन हो. तो इस तरह ऊपर नीचे भी मूव कर सकती है बंडल मशीन. सो ऊपर नीचे जब भी ये मूव करेगी डेफिनेटली वाइब्रेशन पैदा होंगी, वेव जनरेट होंगी. तो वी इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वेव इक्वेशन फॉर बाउंड्री दिस प्लेन. फाइन, तो अपनी ये प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन को जब ये छोड़ेगी, इसका मतलब है आपकी वो जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो ऊपर नीचे जा रही है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट यू से डिनोट करेंगे. और यू आपका फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी. क्या सेंटर में इसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, टूवर्ड्स एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो सकती है. U is denoting the displacement of the string. So it is only function of x. अगर ये प्लेन को छोड़ेगी तो टू डिमेंशन प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी. पॉइंट समझ आ गई है. अब इसके बैकग्राउंड में जो दो चीज़ें हम यूज मेनली करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल या पैरामीटर, सेकंड इज दी रेलिवेंट फिजिकल लॉ. अब वेरिएबल के अंदर हम सपोज टाइम एक वेरिएबल रोल प्ले करेगा, एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्स से हम डिनोट करें वो वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल आपका डिस्प्लेसमेंट है, चौथा वेरिएबल आपका कोई और एक चीज़ होगी जिसे हम टेंशन का नाम देंगे. जहर स्ट्रिंग है, इलास्टिक है, आप इसे रबड़ बैंड को ऊपर नीचे जब खींचेंगे तो इन एंड्स पे टेंशन जनरेट होगी, तो टी वो हमें से आगे चल के कांस्टेंट लेंगे. तो इस तरह के फ्यू वेरिएबल हैं. अब इसके बैकग्राउंड में इसने देख लें लिखा हुआ है ये
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ यूज होगा जो जर्नी द वे फिनोमेना रिक्वायर कंसीडरिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऊपर उसने कहा टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी मेक द फॉलोइंग अजम्पशंस सो दैट सिंपलेस्ट मॉडल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसके बैकग्राउंड में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा वे फिनोमेना है द फिजिकल टू एम ए आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. तो इसको हम यूज करेंगे वेरिएबल जितने भी डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ इनको कनेक्ट करेंगे तो वी विल गेट ए वेव इक्वेशन. सो टू मॉडल दिस फिनोमेना हमने डेफिनेटली कुछ अजम्पशन इम्पोज करनी है और अजम्पशन हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के एंड आपके यहाँ रिजिडली फिक्स नहीं होंगे तो ऊपर नीचे खींचेंगे तो ये भी ऊपर नीचे एंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी. तो पहली अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा उधर से देख लें मुझे लिखने की जरूरत नहीं इधर से मैं एक्सप्लेन करूँगा. द स्ट्रिंग इज रिजिडली अटैच इट्स एंड सो दैट एंड पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल कैन नॉट बी मूव वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो वो फिर हमने मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा. पहली अजम्पशन है स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर जब वन प्लेन में वो वाइब्रेट करेगी इट मीन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्पेस वेरिएबल. अपनी प्लेन को छोड़ेगी तो इट मे बी फंक्शन ऑफ द अदर स्पेस वेरिएबल से वाई एंड जी. तो दिस इज सेकंड अजम्पशन. थर्ड अजम्पशन इज दैट जब आपका ये मोशन होता है तो वेरियस फोर्सेज आर देयर टू एक्ट टू रिएक्ट दिस फिनोमिना. मतलब ग्रेविटी आपका इफेक्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स आपकी रेजिस्टेंस फोर्स कोई भी हो सकती है. तो हम ये इम्पोज कर रहे हैं सिंपलेस्ट मॉडल के लिए कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग सिंपलेस्ट मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल. ठीक है एक्सटर्नल फोर्सेज जितनी भी हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर. थर्ड अजम्पशन. फोर्थ अजम्पशन है कि द स्ट्रिंग डज नॉट सफर फ्रॉम द डैम्पिंग फोर्स. दिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है एक रेस्टेंट फोर्स होती है डैम्पिंग फोर्स होती है. डैम्पिंग फोर्स होती है जब आप जोर से भागते हो आगे से एयर रेजिस्टेंस आपको रेजिस्ट करती है. सो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज ए डैम्पिंग फोर्स. तो उस फोर्स को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे. सो द स्ट्रिंग इज होमोजीनियस. स्ट्रिंग सेम मटेरियल की सिंगल मटेरियल की बनी है. डिफरेंट मटेरियल की होगी तो यकीनन डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटी वेरी करती है. डेंसिटी वेरी करेगी तो इट मीन मैस वेरी कर जाएगा. तो होमोजीनियस होने की वजह से डेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी मैस आपका यूनिफॉर्म रहेगा. तो ये भी वन ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन है एक अजम्पशन है. द स्ट्रिंग इज होमोजीनियस इन पर्टिकुलर दिस इंप्लाइज द लीनियर डेंसिटी एंड द मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कॉन्स्टेंट. इफ द स्ट्रिंग इज नॉन होमोजीनियस देन दीज क्वान्टिटी डेंसिटी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट फाइन यूनिफॉर्म नहीं होगी. ये फिफ्थ अजम्पशन है. पेज नंबर 19 से मैं आपको बता रहा हूँ तो फिगर से थोड़ा सा जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्लोप्स आर ऑलवेज स्मॉल. अब ये हम स्ट्रिंग को ऊपर नीचे खींच रहे हैं तो इन एंड्स पे एंगल्स बनेंगे फाइन. तो यहाँ हम इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे कि ये एंगल आपके स्मॉल होने चाहिए. स्मॉल होंगे तो आगे चल के हम स्मॉल एंगल की अजम्पशन को यूज़ करते हुए हमें ये पता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा थीटा शुड बी इक्वल टू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू टेन थीटा. उस अजम्पशन को यूज़ करके हम वो साइन थीटा साइन अल्फा और साइन बीटा वाली टर्म को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ द टेन अल्फा एंड टेन बीटा. और टेन अल्फा या बीटा में कन्वर्ट हो जाती है टेन थीटा में चली जाती है तो फिर हम स्लोप डिफाइन कर सकते हैं पार डी यू बाई डी एक्स वाई की फॉर्म में. ये डिफ्लेक्शन स्मॉल होने की हमें हेल्प मिलेगी इन डिफाइनिंग दिस. ठीक है और एक ये है स्मॉल एंगल की वजह से आपका स्लोप डिफाइन करना आसान हो. दूसरा ये है स्मॉल एंगल की वजह से डेफिनेटली जब आपकी ये आप ज़्यादा ऊपर खींचेंगे तो एंड पॉइंट पे टेंशन फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी. ज़्यादा जनरेट होगी तो वो वेरिएबल हो सकती है कि सेंटर पे सपोज यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रही तो ऊपर जा रहा है यहाँ टेंशन ज़्यादा है टुवर्ड एंड टेंशन आपकी रिड्यूस हो जाती है. इट मीन दैट के विद द वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन मे बी फंक्शन ऑफ द टाइम तो होगी वो हम एट मोमेंट कांस्टेंट लेंगे स्पेस का फंक्शन भी बन जाएगी. तो टेंशन को हमने एट मोमेंट सिंपलेस्ट मॉडल के लिए कांस्टेंट लेना है. कांस्टेंट लेने के लिए हम टेंशन फोर्स आपका एक्स का फंक्शन भी नहीं है आपका वाई का फंक्शन भी नहीं है जी का फंक्शन भी नहीं है और टाइम का फंक्शन भी नहीं है.
ये एंगल आप लार्ज करते जाएंगे तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स एंड पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट पे वो फंक्शन ऑफ एक्स होगी. उससे बचने के लिए हम ये एंगल को भी इस्तेमाल किया लिया हुआ है. तो दूसरी है कि सिक्स ए, ये थी आपकी अपर अजम्पशन. सिक्स बी क्या, द स्ट्रिंग इज रिजिड लॉन्गिट्यूड दैट इज ए पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन. अब ये है मोशन कि आप इसको जितना ज़्यादा खींचेंगे ये एंगल बढ़ाएंगे तो इन पे डेफिनेटली ये पॉइंट्स मिला के ये बनाते हैं ना. तो ये पॉइंट आपके हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी. तो उसको रिड्यूस करने के लिए कि आपका वर्टिकली जो पॉइंट रेस्ट पे इधर था वो उठ के इधर ही जा गया है फाइन. और अगर आप ज़्यादा कहेंगे कि जो पॉइंट इधर है तो पॉसिबल है वर्टिकली इधर होना चाहिए था, वो थोड़ा सा ज़्यादा खींचने से इधर चला गया है. तो इधर चला गया है इस लोकेशन से इस पे आ गया. तो मीन दैट के वर्टिकल इन एडिशन टू वर्टिकल मूवमेंट आपकी पॉइंट्स की वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होके इधर आ गया. हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, उसको अवॉइड करने की ये स्मॉल एंगल की डिफ्लेक्शन है. सो द सेवन्थ में वो मैंने बता दिया, टेंशन फोर्स एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज टेंजेंट टू इट एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज यूम टू बी परफेक्टली फ्लेक्सिबल. ठीक है, एंड पॉइंट पे टेंशन फोर्स है. टेंशन फोर्स, फोर्स की जब हम बात करते हैं तो किसी पॉइंट पे किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट. ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे सेवन्थ अजम्पशन के अंदर कि आपकी ये टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लॉट करोगे उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन भी होगी. सो अंडर दीज अजम्पशन वी आर गोइंग टू मॉडल वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. किसी बच्चे की क्वेश्चन हो, की क्वेरी हो. तो अब हमने इसको मॉडल करना है. अब इसमें से स्मॉल एक पोर्शन छोटा सा ले लेते हैं. ये पॉइंट आपका एक्स है, ये आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सो लेट अस कंसीडर स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, अपने डिफरेंशियल एनालिसिस. हाँ जी सर, अगर स्ट्रिंग को हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो एंड पॉइंट पे टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? टेंशन एंड पॉइंट पे वेरी करेगी. एक तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, दूसरा उस पे पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है. तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है. इसका मतलब है वो डायमेंशन आपकी एक्स वाई पे भी फर्क पड़ती है. तो वेलोसिटी सपोज ये एक तरफ डिस्प्लेसमेंट को यू से डिनोट करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में तो उसको डिनोट यू से नहीं करेंगे, किसी दूसरे से वेरिएबल से करेंगे. तो वो आपकी डायरेक्शन भी बढ़ जाती है. सही है, आप चलते हैं इसको इस स्मॉल पोर्शन को हम लार्ज करके जब मॉडल करेंगे. फिगर पेज 19 पे गिवन है इस तरह की. ये पॉइंट आपका से एक्स है, ये पॉइंट आपका से एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ये पोर्शन आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. लेंथ ऑफ, ओह इतनी मोटी होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं डेल्टा एस से डिनोट करता हूँ. इसका मतलब है ये दो पॉइंट के दरमियान डेल्टा ऐसे है, ये कार्ड और आर्क, ये आर्क हो गई, ये उसकी कार्ड लेंथ होगी फाइन. और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर वेरी कर रहा है ऊपर नीचे, यू विच मे बी फंक्शन आप एक्सैक्ट यहाँ से यहाँ. तो सो इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स को अलॉन्ग टेंजेंट जब रिजॉल्व करेंगे, इधर अगर से अल्फा बना रहा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो टेंजेंट फोर्स फोर्स है, वेक्टर है. तो वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो एक इसका होगा अलॉन्ग द
एक्स एक्सिस टी कॉस अल्फा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी इस पॉइंट पे, और जो आपका दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये टी साइन अल्फा। सिमिलरली इधर आपका ये इस तरह की स्ट्रिंग रहती, यहाँ ये एंगल बीटा होगा टेंशन फोर्स का, टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो टी कॉस बीटा और ये वर्टिकली टी साइन बीटा। यहाँ इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी टी कॉस बीटा की, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, इस पॉइंट पे आपकी नेगेटिव टी कॉस अल्फा की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, इधर एक्स है इधर आपका वाई है, और टी साइन अल्फा की नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन का से हम साइन कन्वेंशन वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। यूजुअली जो चीज़ें जो थिंग्स इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट होती है दे विल बी कंसिडर एट पॉजिटिव, जो इन द नेगेटिव डायरेक्शन होती है उनके साथ माइनस साइन लगाया जाता है। So consider a small segment of the string between these two point x and expressed as shown in this figure. Okay. So before we can apply Newton, ये सारी इसने theory लिखी है। Apply Newton's second law of motion, हमने इस पर apply करना है फिज इक्वल टू एम ए। वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या assumption, by approximate 6b the segment is not moving in the horizontal direction। वो हमने पहले ही बताया हुआ है कि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हम इसका कंसिडर कर रहे हैं, horizontal direction नहीं कर रहे। द मैस ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाई, मैस क्या होता है यूजली, मैस को हम डेंसिटी इंटू लेंथ कहेंगे ना डेल्टा एस, और बीइंग एंगल ये स्मॉल होगा तो आर्क लेंथ और कार्ड लेंथ दोनों बराबर ही होती हैं, इसलिए हम रो डेल्टा एस को रो इनटू डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। बीइंग स्मॉल एंगल आर्क लेंथ और कार्ड लेंथ आर सेम, ठीक है। तो ये इसने मैस को डिफाइन किया हुआ है। हाउएवर we are considering only small diffraction, magnitude of the displacement is very small, there delta e is ne aage justification di hai, delta s is approximately equal to delta x। third mein hai ki acceleration of the segment the vertical direction is given by, ab vertically u agar displacement को denote kar raha hai then रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेलोसिटी, एंड ये आपका पार्शियल यू बाई पार्शियल टी वेलोसिटी होगा, एंड पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर विल बी एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर ये ए जो पड़ा हुआ होता है दिस इज एक्सेलरेशन, और दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव हम इसलिए लिखेंगे कि यू आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, टाइम का भी है स्पेस का भी। जी किसी का सवाल? पर ये मैस किसके इक्वल लिया था आपने? मैस ने रो इनटू डेल्टा एस डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डेल्टा एस जो हमने कंसीडर की है, और आगे जाके मैस में क्या ले रहे हैं? स्ट्रिंग की ले रहे हैं, जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं? हाँ स्ट्रिंग की ले रहे हैं। सर प्रीवियस स्लाइड शो कीजिए। ये मैं डेंसिटी, हाँ अब इसमें देख लें कि यहाँ जो टेंशन फोर्स दो एंड पे है, ए पे ये से ए एंड है, दूसरा बी एंड है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो जो टेंशन फोर्स इधर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, और जो टेंशन फोर्स इधर अलॉन्ग दूसरे एंड बी पॉइंट पे अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी। अगर एक दूसरे को इनकी बैलेंस नहीं करती, टी कॉस अल्फा इज नॉट इक्वल टू टी बीटा, तो आपकी ये चेन या स्ट्रिंग राइट और लेफ्ट मूव करेगी। तो हमने ये अभी इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि राइट लेफ्ट नहीं मूव कर सकती, इसका मतलब यह है कि टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा।
फाइन, यहाँ से हमें ये मिला कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर टेंशन की फॉर्म में ओनली फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो ये हैं, और ये फोर्सेस इन टर्म ऑफ टेंशन अप्लाई हो रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ आपकी एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, वर्टिकल फोर्सेस का डिफरेंस आएगा। ये इसने लिखा हुआ है सम पेज 20 पे, approximation for the sum of the vertical forces acting on a segment are given by t sin beta minus t cos sin alpha, which are non-zero, whereas the t cos beta is equal to t cos alpha. ये balance कर रही है, horizontal forces balance कर रही, vertical forces आपकी यहाँ only effective हैं, कि यहाँ vertical force की direction downward है, यहाँ vertical force जो tension forces sent phase की direction upward है, ये इस force के अंदर आएंगी। तो इनको जब आप calculate करते हो sum of the as इधर मैं लिख दे sum of horizontal forces क्या बनेगा, sum of horizontal forces होगा t इस एंड पे है ना cos beta की डायरेक्शन पॉजिटिव है और t cos alpha, ये sum है। और इस कैसे भी कर सकते हो t cos beta is equal to t cos alpha, ये दोनों बैलेंस कर रही हैं। वेयर है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आर वो क्या बन रही हैं, वो आपकी बन रही है t sin beta minus t साइन अल्फा। अब एक के साथ मैंने प्लस लिख लिया, दूसरे के साथ माइनस लिख लिया, ये कैसे लिख लिया, वैसे तो मैं ऐड कर रहा हूं अदनान से पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना बीटा। अब ये जो सेकंड एंड पे है ना बी पॉइंट पे, यहाँ टी साइन बीटा की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन को अपवर्ड करने के लिए मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा, समझ आ गई ये। अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो इसका मतलब है मुझे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो यहाँ माइनस टी, तो दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, दिस प्लस दिस, सो दिस इज सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन बोथ एंड, ये आ गई है। अब आपने इन फोर्सेस को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, सो बाय न्यूटन, पहले कुछ और लिख लो, न्यूटन सेकंड लॉ, वी हैव एफ इज इक्वल टू एम ए आर, इसको आप एक्सेलरेशन इन टर्म कम राइट साइड पे लिखना पसंद करते हैं तो आप ऐसे कर दो, और दिस इज इक्वल टू एम की जगह वैल्यू डाल दो रो डेल्टा एक्स, ए की जगह इसकी वैल्यू पार्शियल टू यू बाय और छोटी इसके, और ये समाप्त, इसके अंदर सिर्फ ये फोर्सेस आएंगे साइन बीटा साइन अल्फा, तो ये आपके एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में रही है। अब इसको आगे चल के देखते हैं, अब इसमें से टी टेंशन फोर्स दोनों में हमने कांस्टेंट ली है, टी ऑफ एक्स टी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टी, व्हिच मीन दैट टेंशन फोर्स इज कांस्टेंटली, अगर ये वेरिएबल होती तो यहां फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होता। अब यहाँ आपने ये लिखा था एज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली टू टेन ऑफ अल्फा, एंड द टेन अल्फा एट दिस पॉइंट स्लोप टेंजेंट किसके बराबर है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एट एट एक्स कामा टी। फिगर को थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले स्लोप आपका क्या बनेगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, नॉर्मल डेरिवेटिव आपको स्लोप देगा, रेट ऑफ चेंज की नहीं बात कर, नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, तो नॉर्मल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज पार्शियल यू बाय पार्शियल
x partial u by partial x है, दोनों partial u by partial x है, लेकिन इस point पे u is a function of x and t, और इस point पे अगर आप slope calculate करेंगे तो again this is partial u by partial x, but this is at point x plus delta x comma t, दोनों में argument में फर्क होगा कि ये आप slope calculate कर रहे हो at location x और ये slope calculate कर रहे हो at location x plus delta x. Fine. So if as angle is small alpha small, similarly for small beta, and for small beta, very very small को हम दो दफा ये less than से लिखते हैं. This implies that sine beta is approximately equal to tan beta, and this is approximately equal to in term of derivative like partial by partial x at x plus delta x comma t. अब ये तो उठा के वैल्यू, एक की वैल्यू इधर हमने रख देनी है और दूसरी की वैल्यू उठा के इधर रख देनी है. So using this expression over here, तो मेरे पास बन रहा है rho delta x partial 2u by partial t square. टेंशन फोर्स आपकी कांस्टेंट है, तो ये आपका बीटा की वैल्यू पर साइन बीटा की वैल्यू है partial 2u partial u by partial x at x comma delta x comma t minus t partial u by partial x at x comma t. t आपका दोनों में से कॉमन है, डेल्टा x से आप अगर डिवाइड कर देते हो दोनों तरफ, then you are getting partial u at x plus delta x comma t by partial x minus partial u by partial x divided by आप पूरे पे लिखते हो डेल्टा x. अब इस स्टेप के बाद आप लिमिट कैलकुलेट करो as delta x approaches to zero, left side is इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रो पार्शियल टू यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड टी कांस्टेंट है से बाहर लो, और ये यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये आपका है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल टू यू बाय सॉरी पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, और दिस कैन बी रिटन एज पार्शियल टू यू बाय पार्शियल t square rho t by rho, और ये आपको बनेगा partial 2u by partial x square, so which is known as one dimensional wave equation representing this phenomena, जो कि आपको एक नंबर इधर है आगे चलते हो 8 नंबर equation के बने, ठीक है. So this is 1D wave equation. जी यहाँ तक किसी बच्चे का भी क्वेश्चन हो. अदनान किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन की क्वेरी, सर पिछले पेजेस में से कुछ पूछना था सर, वो बाद में फिर पिछले पेजेस में से पूछना था. मॉडलिंग क्या है या कुछ और है सर? मॉडलिंग की जो पेजेस आपने रीड करने के लिए दिए. हाँ क्या पूछना है इसमें से? अगर मुझे आता हुआ तो जरूर बता दूंगा, ना आता हुआ तो कौन से पेज नंबर बताओ. पेज 14 इफेक्टिव कोफिशिएंट की बात की, तो वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफेक्टिव कोफिशिएंट कौन सा होगा? पेज नंबर 14 पे 14 पे ना? यस सर. 14 पे इफेक्टिव कोफिशिएंट आ एल पार्शियल आई पे पार्शियल टी हैज इफेक्टिव कोफिशिएंट, कि ये जो भी टर्म आती है इसका कोफिशिएंट बस ये नाम दिया है, कोफिशिएंट कह दिया इफेक्टिव, कि ये मेजर कोफिशिएंट है और तो कोई भी नहीं.
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे आ गई ना, इसके अंदर ये कोफिशियंट है बस, इसे फैक्टर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द कोफिशियंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू की, आप इसको वेरी करोगे तो आपकी आगे रिजल्ट्स पे वेरिएशन आएगी ना, चेंज होगी, ओमेगा एल का कोई नंबर आप इसको जीरो करती हो तो आपको कुछ और रिजल्ट देता है, 0.1 लेती है इसकी वैल्यू कुछ और रिजल्ट मिलेगा, 1000 लेती है कुछ और रिजल्ट, तो यही अफेक्ट कर रहा है ना आपके उस फिनोमेना को, इसलिए इफेक्टिव कोफिशियंट कह दिया है, और तो कुछ भी नहीं इसमें, ठीक। और तो मेरा नहीं ख्याल इसके कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं बनते। चलो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट अब कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग के अंदर इसी वेव इक्वेशन के अंदर कोई चीज़ें कुछ अजम्पशन जो हमने अज्यूम की थी वो चीज़ें रिलैक्स करेंगे। एक हमने इसमें अजम्पशन यूज़ की है कि होल फिनोमेना इज अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, हम जो पेज नंबर 18 पे अजम्पशन नंबर 3 है, नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, इसको रिलैक्स कर दिया उसने कंपाउंडिंग के अंदर। डिराइव ए मॉडल इक्वेशन, पेज 22 पे जाएं, डिराइव ए मॉडल इक्वेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इफ द वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स उसने ली है कि कंडीशनल वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ पर यूनिट लेंथ इन इज एक्टिंग ऑन इस, सो उसने वर्टिकली यूजली ग्रेविटी ली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो फिनोमेना था, और किधर गई मेरा पेन, ये जो वेव फिनोमेना है जीरो से एल तक, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है स्ट्रिंग, अब इस पे ग्रेविटी फोर्स भी एक्ट कर दी है, और ग्रेविटी फोर्स के आपको यूजुअली ये पता है रो जी होती है, इसको एफ से डिनोट कर दिए, तो बट डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो इसका मतलब है एफ एम ए इज इक्वल टू जो एफ है उसके अंदर, इस एफ के अंदर एक टेंशन फोर्स वाली वो टर्म आ जाएगी, सम ऑफ इसको आप ऐसे कह सकते हो एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, तो ये एफ वन के अंदर वही टी कॉस बीटा माइनस टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा, और प्लस ये फोर्स आ जाएगी। अब ये है हमने जो मॉडलिंग की है ये स्मॉल पोर्शन के लिए की है डेल्टा लेंथ एक्स के लिए, तो एफ विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इंटू डेल्टा एक्स, ये सिर्फ ऐड हो जाएगी बस, ये एक एडिशन आ जाएगी, तो ये आपका एंड तक ये इक्वेशन के अंदर चलती रहेगी। ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है। दूसरा कंपाउंडिंग में अब ये फिनोमेना हमने हॉरिजॉन्टल है कि अप वर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो रही, इसको हम अगर इस तरह कर देते हैं फिनोमेना को इस तरह, इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं इधर वाई लेते थे, ठीक है, तो इस तरह का। अब ये नेक्स्ट जो है एक चेन का किया हुआ है, किस तरह की, अगर आपके पास ये ऊपर की यहाँ यहाँ की चेन सस्पेंड हुई है इस तरह की, तो आप इसे मूव कराएंगे जिस तरह पेंडुलम मोशन है, इस तरह पेंडुलम मोशन, तो ये कभी इधर आ जाएगी कभी इधर आ जाएगी, पेंडुलम टाइप एक होगा, तो जब ये होगा तो यहाँ अब वर्टिकल लिया हुआ तो इसमें क्या होगा, कब चेन है तो डेफिनेटली चेन के ये दो रिंग्स हैं इनमें टेंशन यहाँ डिफरेंट होगी, जितना जितना ऊपर जाएंगे वेट आपका बढ़ता जाए, इन पॉइंट पे टेंशन आपकी वेरी कर दी जाएगी। वर्टिकल फिनोमेना में आप ये टेंशन फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, इसने एक पर्टिकुलर फॉर्म ली है टी इज इक्वल टू रो जी इनटू एल माइनस एक्सटेंशन फोर्स इज नाउ नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक्स जीरो के लिए एक्स जीरो आपका यहाँ से ये आपका वाई है अब, और ये आपका एक्स होगा डाउनवर्ड फिनोमेना, इधर एक्स वेरी कर रहा है इधर वाई वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ओनली वर्टिकल फिनोमेना हो गया, और एक एडिशनली वर्टिकल रिंग है लिहाजा स्ट्रिंग नहीं है रिंग है तो चेन है, यहाँ टेंशन फोर्स डिफरेंट होगी, ये टी जी को 12 पे कुछ और फोर्स होगी, आखिरी रिंग पे कोई टेंशन फोर्स नहीं है, ऊपर ऊपर चढ़ते जाए तो यहाँ टेंशन फोर्स बढ़ती जाती, जितना एक्स रिड्यूस करते जाएंगे ये टेंशन फोर्स बढ़ जाती, ये टेंशन फोर्स आपने जस्ट इसमें लेनी है। फाइन,
वही फिगर है, एग्जैक्टली वही चीजें हैं। नाउ टेंशन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो दो एंड अगर हम इधर करते हैं, एक इसे स्मॉल पोर्शन ये एक्स आ गया, ये आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैंने इस तरह लिख देता हूँ, तो ये आपकी, ये आपकी रिंग है जो भी है। तो इधर जो टेंशन फोर्स हमने पहले ली थी टी कांस्टेंट, अब इस पॉइंट पे टी एक्स का फंक्शन है, इस पॉइंट पे आपका टी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फंक्शन है, तो जस्ट टेंशन फोर्स वेरिएबल आ गई है। ये दूसरी कंपाउंडिंग भी आपका आपने, अब तीसरी कंपाउंडिंग में जो ये अजम्पशन नंबर है थ्री, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इसको मजीद रिलैक्स कर दिया है कि आपकी ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होते। दूसरी एग्जांपल में आपकी ग्रेविटी फोर्स ये दी थी, अब ये फिनोमेना इधर है या इधर है, तो दो किस्म की मजीद फोर्सें होती हैं, एक है रेस्टोर ये रेस्ट्रेंट फोर्स, ठीक है, दूसरी होती है डैम्पिंग फोर्स। रेस्ट्रेंट फोर्स है कि आपने नेक्स्ट पेज पे, मैं स्लाइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट, कि ये स्ट्रिंग अगर दो एंड पे है, एक एंड आपका x इज इक्वल टू जीरो पे है, x इज इक्वल टू l पे है, आप इसको सेंटर से पकड़ के ऊपर खींचते हैं तो इसकी पोजीशन ये बन जाएगी, फाइन। तो खींचेंगे तो यकीनन ये इलास्टिसिटी की वजह से वापस आना चाहेगी, तो ये ड्यू टू रेस्ट्रेंट फोर्स है। रेस्ट्रेंट फोर्स को डिफाइन किया पे 26 पे, द रेस्ट्रेंट फोर the restraint can be thought of as a force of k u per unit length। अब जाहिर है जितना आप खींचेंगे इसकी फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ही इसमें रेस्ट्रेंट फोर्स पैदा होगी, बट इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस के इन टू यू, माइनस के द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको ख़त्म किया है, और यू आपका नेगेटिव लगा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होती है कि आप इस चेन को, इस स्ट्रिंग को उधर खींच रहे हैं इन दी वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ, जबकि रेस्ट्रेंट फोर्स थे जो उसकी रेस्ट शेप है उस पर लेके आना चाहती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम के इन टू यू। एक ये फोर्स होगी रेस्टेंट फोर्स, और दूसरी फोर्स इसकी डैम्पिंग फोर्स होगी, जिस तरह हम ग्राउंड में जाके भागते हैं तो आगे से अगर चल रहे होते हैं तो आगे से एयर रेजिस्टेंस हमें रेजिस्ट कर रही होती है, अगर हम थोड़ा सा तेज चलें तो मजीद एयर रेजिस्टेंस हमें रेजिस्ट करती है, ज़्यादा फोर्स ज़ोर से भागेंगे तो मजीद होगी, तो वो जो फोर्स होगी जो आगे से आपके मोशन को रेजिस्ट करती है, दैट इज़ नोन एज डैम्पिंग फोर्स। और डैम्पिंग फोर्स भी हमेशा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप स्लो चल रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी कम है, उसकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इतनी हो, आप तेज भागेंगे तो उसकी होगी, एक तो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो यकीनन कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ बी, और अगेन ये आपकी भी अपोजिट डायरेक्शन है कि आप स्ट्रिंग को यहाँ से मेन पोजिशन से इधर लेके आना चाह रहे हैं, आगे से ये फोर्स लगती है, तो यहाँ जो होगी ये माइनस के यू रेस्टेंट फोर्स, और ये जो होगी माइनस बी पार्शियल यू बाई पार्शियल, तो ये दो फोर्सेस जस्ट ऐड अप हो जाएंगी वहाँ। पेज नंबर 27 पे ये दोनों फोर्सेस की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, रेस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के यू इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ हम दे रहे स्मॉल पोर्शन के लिए अपने एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ मैग्नीट्यूड इसके लिए होगी माइनस के यू इंटू डेल्टा एक्स, और रेस्टेंट डैम्पिंग फोर्स होगी माइनस बी पार्शियल यू पार्शियल इंटू डेल्टा एक्स। ये दो फोर्सेज जस्ट आपके न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के अंदर ऐड हो जानी है, फाइन। तो यहाँ जो आपका एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ ये आपका एम रो डेल्टा एक्स पार्शियल टू यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ये आपका अब आपका एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री सम ऑफ द थ्री एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा। एफ वन के अंदर से आपकी वो टेंशन फोर्स आ जाएगी साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, एफ टू के अंदर से वो डैम्पिंग फोर्स आ जाएगी माइनस के
यू इंटर डेल्टा एक्स एफ थ्री के अंदर आपकी ये रेस्टेंट फोर्स एफ थ्री कई आर्डर स्केलर सम है कुछ भी आप कर सकते हैं माइनस बी पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इनटू डेल्टा एक्स सेकंड फोर्स का क्या नाम है जो एफ टू वाली है ये आपकी रेस्टेंट फोर्स है रेस्टेंट फोर्स और ये आपकी डंपिंग फोर्स है तो बस ये दो टर्म है नेगेटिव क्यों है नेगेटिव ही हुआ है कि जो मोशन है आपका इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ना तो ये एक आगे से आपको रेजिस्ट कर रही है एक पीछे खींच रही है तो आपके मोशन के अपोजिट हैं तो मोशन के अपोजिट होंगी तो उनको नेगेटिव से यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है समझ आई है इधर मैं दोबारा फिगर बना ली कि ये आपकी स्ट्रिंग को खींचेंगे तो आप इधर लेके आ रही हैं ठीक है तो इसका मतलब है आप इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग को खींच के लेके जा रही हैं जो आपकी रेस्टेंट फोर्स है वो इसे वापस इधर लेके आना चाह रही है तो ये आपका वाई इधर है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है इस वजह से ये नेगेटिव आ गया ये फोर्स आप इसको स्ट्रिंग को ऊपर खींच के जा रहे हैं ये फोर्स आगे से रिजिस्ट कर रही है आपको इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन ये के माइनस के यू तो ये माइनस बी पार्शियल यू बाय पार्शियल समझ आ गई है ये दो तो बस ये दो टर्म आपकी एंड पे ऐड हो रही है वेव इक्वेशन तकरीबन हमने किसी हद तक इसे डिस्कस कर लिया अब हमारे पास शायद एक ही इक्वेशन भी है मॉडलिंग के लिए इस चैप्टर की जो कि हीट इक्वेशन है हीट फिनोमेना में अब आपने ये करना है कि पेज नंबर 29 इसने फ्लक्स वगैरह डिफाइन किया हुआ है पेज नंबर 30 जिसमें थर्मल लॉज ऑफ बेसिक लॉज थर्मोडायनामिक्स है और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है पेज 30 पे इनको रीड आउट करके आना 31 पे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है इनको रीड करके आना है बेसिक तीन लॉ को यूज करते हैं हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आप सुनो में डिफ्यूजन इक्वेशन पे 32 से लेकर 35 तक है 35 पे ये मॉडलिंग है वो कंप्लीट करनी है बांड में टू डायमेंशन की आप खुद कर लेंगे कंपोनेंट वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं सब पेज 35 तक करना है अभी अभी तो पेज हमने जो किया है नहीं नहीं करना नहीं वो मैं खुद कराऊंगा आपको पेज 28 तक करना है पेज 29 30 31 आपने रीड ठीक है जो 32 से अनवर डिफ्यूजन हीट की मैं खुद करा दूंगा एक एक लेक्चर में तो ये चैप्टर में खत्म हो जाएगा ठीक है ओके सर किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो किसी और ने कोई क्वेश्चन करना हो या 30 सॉरी बताओ सर पेज नंबर 30 31 32 पढ़ना है हाँ वो लाज डिफाइन है 31 मैं देख लेता हूँ दोबारा पेज नंबर 29 जी सर 30 एंड 31 ये इधर लिख देता हूँ ठीक है सर ये रीडिंग पेजेस 29 to 31 आगे हीट इन ये बेसिक इसमें लॉ डिफाइन है उनको यूज करते हमने हीट इक्वेशन मॉडल करनी है मॉडल में तो वो यूज होंगे अगर आप पहले रीडिंग कर लेते हैं तो इतना फिर ज्यादा मुझे उधर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है होपफुली हम नेक्स्ट क्लास कल ये चैप्टर तुम कर देंगे अब आगे तीन चार मेजर चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर इससे पहले कोई वो कैनोनिकल फॉर्म भी है मेरे पास अभी नोट्स इधर तो नहीं कहीं दूसरी टेबल पर पता नहीं कि थोड़ी सी शायद कैनोनिकल फॉर्म भी है नहीं तो मेजर आपके ये तीन चैप्टर आगे हैं अदनान एनी क्वेश्चन इधर ये चले गए सर
सेशनल तक सर कितना कोर्स आएगा? सेशनल कब है मुझे तो पता ही नहीं है, ये यार दुआ करो ऑनलाइन वाला खत्म हो, फिजिकल हो, कुछ पढ़ने पढ़ाने का कुछ समझ भी आए। सेशनल अभी अनाउंस हुआ है नहीं हुआ? नो सर अभी नहीं हुआ। जहरे वो ये डिपार्टमेंट वाले सोच रहे हैं, देख रहे हैं ना कि अगर ऑनलाइन चीजें हो जाती हैं तो वो सही है ना। ऑनलाइन सेशन लेने का क्या मकसद है, कहाँ से सवाल कोई ऐसे उल्टे सीधे सवाल देंगे तो होगा, अदरवाइज तो सीधे सवाल तो आप नोट से तो सारे ही होते हैं। रिमूव करें हर बार इस वजह से क्लास में भी तीन चार बार किया किसी ने तो सर, अभी तो मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है मुझे रिमूव कर दिया सर। अब यार अटेंडी तो नहीं रिमूव कर सकते, कोई और ही बच्चा होगा जो क्या किया जा सकता है। अल्लाह हदायत दे क्लास तो चले खत्म हो गया। चले ठीक है, कल हीट इक्वेशन की मॉडलिंग थोड़ी सी देख लेंगे, कोशिश करें ना हीट इक्वेशन की मॉडलिंग अगर पढ़ के आ जाए तो आसानी होगी, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है टेक टेक केयर। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो बच्चे इस बुक में नहीं है, लेकिन आप किसी बुक से और मॉडलिंग देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ मिल जाएंगी किसी बुक से, वो ना थोड़ी सी अजम्पशन डिफरेंट के साथ होगा कि यह मॉडल आगे करनी होंगी। ये मॉडलिंग अब मुझे नहीं याद मैंने किस बुक से
यार क्लास खत्म हो गई है। हाँ जबरदस्त।